शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीहं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। लासा के इस एयरपोर्ट से हमारा अगला पड़ाव होगा अली कुंजा, जो कि कैलाश मानसरोवर का सबसे करीबी एयरपोर्ट है। वहां से हम दार्जिलिंग जाएंगे और आगे का सफर होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा का। चलिए हम तैयार हैं और हमारे साथ आप भी चलिए, करिए दर्शन कैलाश मानसरोवर। करीब 2 घंटे की फ्लाइट के बाद हम लासा से अली कुंजा पहुंचे हैं। अली कुंजा कैलाश मानसरोवर के सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है और यहां से अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे और दार्जिलिंग के हिस्से होते हुए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर पहुंचेंगे, जहां हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या है जो कैलाश मानसरोवर केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सिख और जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी काफ़ी खास जगह बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ रहिए और चलिए कैलाश मानसरोवर की इस अनोखी और रोमांच भरी यात्रा पर। अली कुंजा से 2 घंटे का सड़क का सफ़र तय कर हम इस वक्त पहुंचे हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग को कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेस कैंप भी कहा जाता है। दार्जिलिंग में ही दरअसल यम द्वार है और यहीं से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा शुरू होती है। बाबा कितना कैसा ताकत दे रहा है कि हमको नहीं मालूम पड़ रहा। ये अब कभी हम लोग ये पहाड़ से नहीं चढ़े ना, घोड़े में आने का पहाड़ में आने का आदत नहीं ना, मगर बाबा हमारे को बहुत ताकत दे रहा, हमको नहीं मालूम पड़ रहा हमारे को कैसा ताकत मिल रहा, हम कैसे यहाँ तक पहुँचा भी। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 4-5 times टू गेट इट अलॉटेड। आई थिंक आई एम दिस टाइम अपॉर्चुनेटी इनफ टू कम टू दिस प्लेस एंड आई फील इट्स ब्लेस्ड एंड वेरी रेवर्ड प्लेस। मेरे ग्रुप के सीनियर मोस्ट मेंबर्स जो हैं वो 69 इयर्स के हैं और वो बहुत, आप पीछे देखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। नो हरि इज अवर कृष्ण भगवान, आई बिलीव इन कृष्ण भगवान एंड भोले भी है, तो ओम का मैंने हरि को बोला कि आई वॉन्ट टू सी दी ओम, तो उसने बोला कि डोंट वरी मैं तुम्हें ले जाऊँगा, ओम का दर्शन करूँगा और ओम को बोलूँगा कि हरि के पास उसको सदैव भेज देना। हम वैसे काफ़ी टूर में गई हैं, गंगोत्री यमुनोत्री वैष्णो धाम,
बट यहाँ के जो अच्छा लग रहा है उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। यम द्वार की एक मान्यता ये भी है कि ये यम का द्वार है, यहाँ से आगे शिव का लोक यानी अमर्त लोक शुरू होता है और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से मृत्यु लोक शुरू होता है। इस मान्यता के मुताबिक मृत्यु लोक में यमराज इसी रास्ते से आते हैं और लोगों के प्राण लेकर जाते हैं। इस यमद्वार को लेके अलग अलग मान्यताएं अलग अलग धर्मों में हैं। तिब्बती बौद्ध भी इसे काफ़ी पवित्र मानते हैं और यहाँ पर वो भी ये मानते हैं कि लोगों के पाप कट जाते हैं। बहुत सारे यात्री जो कैलाश धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, वो इस यमद्वार की परिक्रमा करते हैं और यमद्वार की परिक्रमा में ही अपनी कैलाश धाम की यात्रा को पूर्ण मानते हैं। बहरहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग मान्यताओं के वो यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पीछे ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई जो पताकाएं हैं जिनके अंदर माना जाता है कि इस तरीके की ये जो ध्वज पताकाएं हैं जिन पर बौद्ध सूत्र और बौद्ध मंत्र लिखे हुए हैं उनसे टकराती हुई हवा जब जाती है तो वो हवा पवित्र हो जाती है। यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चढ़ा रखी हैं। इसके अलावा पत्थरों पर भी बहुत सारे मंत्र जो हैं वो उकेरे गए हैं, बहुत सारे मंत्र जो हैं वो इन पत्थरों पर नज़र आते हैं। इसके अलावा लोगों ने अपने प्रियजनों की तस्वीरें जो हैं वो भी यहाँ पर छोड़ी हुई हैं और इस तरीके से यमद्वार की परिक्रमा लोग लगातार यहाँ पर करते रहते हैं। जब भी यहाँ पर जो परिक्रमा है कैलाश के यात्री यहाँ आते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं और मानते हैं कि कैलाश के दिव्य दर्शन का रास्ता यहाँ से शुरू होता है, तो वो अमृतत्व का रास्ता है, वो उनकी अमरता का रास्ता है, वो उनके संचित पुण्य जो है अर्जित करने का रास्ता है, क्योंकि माना जाता है कि इस यमद्वार से निकलने के बाद लोगों के पाप कट जाते हैं। यमद्वार को पार करते ही आपको कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख के दर्शन होते हैं। उसके बाद इस यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से यमद्वार से आगे कैलाश परिक्रमा के लिए तो पहले पश्चिम मुख के, उसके बाद उत्तर मुख के और उसके बाद आखिर में जाके पूरब मुख के दर्शन होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि पूरब मुख के दर्शन बड़े कठिन हैं, काफ़ी मुश्किल से होते हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ना होता है, मगर यहाँ से यात्रियों को पहली बार जो है कैलाश के दर्शन होते हैं। कैलाश पर्वत के हमारे पीछे आप अगर देख सकें तो इस जगह पर वो जो चमकता हुआ पहाड़ है, जो चमकीला सबसे चमकीला जो शिखर है वही कैलाश पर्वत है और उसी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। लोग पुण्य धाम इसे माना जाता है और मान्यता यही है कि यहाँ आने के बाद न केवल लोगों के सारे पाप कट जाते हैं बल्कि लोग शिवलोक में स्थान के जो पात्र हैं वो भी बन जाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। हम इस वक्त यहाँ दार्चिन में हैं। दार्चिन का एक यात्री सराय है और यात्रा की थकान मिटाने के लिए गर्मा गर्म चाय से बढ़िया क्या हो सकता है, तो हमें बताया गया कि यहाँ पर मसाला चाय बिल्कुल इंडियन स्टाइल मिलती है। चाय यस मसाला चाय, तो मसाला चाय बनाएंगे। मसाला चाय ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ रेडीमेड मसाला चाय है। वाह, तो आप यही काम करते हैं? नेपाल से काम करने के लिए। नेपाल से दो महीने से किया, हर बार हर साल आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? हर साल आते हैं, टेकर्स कंपनी के। अच्छा टेकर्स कंपनी के हैं, तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। वाह,
चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी है, मसाला डाला है इसमें। हाँ, मसाला टी तो इंडियन स्टाइल में। स्वाभाविक रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा में बहुत सारे भारतीय यात्री आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ आसपास के इलाके में भारतीय भोजन और ख़ासतौर पर भारतीय शैली में चाय भी मिल जाती है।